क्वेटा में जैन रोड पर वाके रेलवे कॉलोनी में कायम गैर कानूनी अमला को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर रेलवे इंतजामिया ने चंद मकानात मुनहदिम किए ही थे कि कॉलोनी के रिहायशी मुश्तहल हो गए और रोड पर आकर टायर जलाते हुए पुलिस और आम ट्रैफिक को पथराव शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के साथ साथ हवाई फायरिंग भी की। आ जाए कि बोले आधे घंटे में अपना मकान खाली करें, सामान वामान हटाएं, अब आधे घंटे में कौन सामान खाली कर सकता है। शैलिंग के बाद ख्वातीन ने ज्वाइंट रोड पर धरना दिया। आसिफ जरदारी ने बोला रोटी कपड़ा मकान देगा, मकान तो हम लोगों को नहीं दिया है, हम लोगों का सिर का छत उतारता पड़ा है। सारी जिंदगी हमारी रेलवे में गुजरी है, बच्चे भी अल्लाह ने दिए, पढ़े भी इधर से, किधर जाएं अभी, दर दर हो जाए, बच्चे किधर लेके जाए। वाकये के बाद इंतजामिया ने बीसी और आरआरजी की मजीद नफरी तलब कर ली। अमन एहतजाज पे तो हमने किसी को मना नहीं किया है, रोड उन्होंने ब्लॉक कर दिया, आने वाले जो लोगों को मारने लगे हैं, सही है, तो इसके बाद हमने शेलिंग की इनको डिस्पर्स करने के लिए। तजावजात के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए इलाका मुकीनों ने कई घंटों तक एहतजाज जारी रखा, ताहम बाद में मुजाकरात के बाद मुश्तहल मुजाहरीन मुंतशिर हो गए। कैमरामैन हैदर चांडी और गजनफर अलवी के साथ फरीदुल्ला खान, दुनिया न्यूज़, क्वेटा।